बात बता मुझे, अंबा जी बाप हुई सबके सामने ये पटर पटर करने की क्या जरूरत थी? बताओ अब उन्होंने कोई रिश्ता ढूंढ के तेरी शादी तय कर दी तो क्या फर्क पड़ता है भाभी? आपकी करणवीर जी को वैसे कोई और पसंद आ गई। किसकी बात कर रही है तू? मैं उस कैनेडियन चिड़िया की बात कर रही हूँ जो आपके घर में आके टिकी हुई है। तुझे जलन हो रही है? ये कुछ और तस्वीरें हैं लड़कों की अपनी हेतली के लिए, और इन्होंने दहेज की मांग भी नहीं की है। पिछली बार तूने कहा था कि वो दहेज के लालची है, तो क्या हम हेतल के लड़के ढूंढना बंद कर देंगे? लाइए ना बीचल में। हाँ सारा छू जी, इसकी शक्ल कितनी गंदी है। शादी में सिर्फ शक्ल नहीं देखी जाती, घर परिवार देखा जाता है, साथ में उसके संस्कार उसकी शिक्षा भी देखी जाती है। पर बापू जी, लड़की की मर्जी वो नहीं पूछी जाती क्या? लड़की की मर्जी ऋतिक रोशन से शादी करने की होगी तो क्या ऋतिक रोशन को ले आएंगे? तो अगर ऐसे ही रिश्ते ठुकराते रही ना बहू रानी, तो अपनी ननद को जिंदगी भर घर में बिठा के रखना पड़ेगा। कुछ चाहिए आपको? क्या कुछ चाहिए आपको? दिल्ली में डिस्कोज और पब्स नहीं है? हाँ जी है तो जरूर, लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली वहाँ कभी गया नहीं हूँ। तुम लोग किस सदी में रहते हो? तुम क्रेजी। करण तो तेरी जिठानी का बेटा है ना? हाँ तो ब्याह शाह हो गया मुंडे का? नहीं ब्याह हाले नहीं होया, वो स्वीटी से कोई 1.5 साल बड़ा है। एक्सक्यूज मी, ये आपने कुछ डिस्कोस और पब्स के एड्रेस मांगे थे ना? थैंक यू। ओए की होया, कोई लड़की है करने वास्ते? लड़की तो है नजर में और बहुत अच्छी भी है। अच्छा सच? दस्ते सही कौन है? चाची जी चाय जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे अभी तक नाश्ता नहीं दिया, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है। कोई गल नहीं पुत्र, मैं दे देती हूँ, चल मेरे साथ। मॉम आप बड़ी खुश लग रही है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ओ चुप कर, वो देख कर कितना अच्छा दामाद मिला मुझे अपने लिए, है ना? दामाद करण? नो वे, ही सो बोरिंग मॉम, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। इससे शादी नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? अपने उस गोरे गंजे से? सीधा साधा मुंडा है, तेरे काबू में ही रहेगा हमेशा, तू उसे अपने उंगलियों पे नचा सकती है। और तुझे क्या चाहिए? शादी तो तेरी मैं स्कर्न से ही करवा के रहूंगी। हाँ ओए मेरी जान। हद हो गई है, बीवी के फोन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। माय गॉड मीटिंग में हूँ। अरे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है हेतल और करणवीर जी के बारे में। गरम कपड़ों में ना काली जीरी के साथ लौंग और ये कड़वे नीम पत्ते भी डाल देना, ऐसे ही नहीं रुमाल में लपेट के। हेतल और करणवीर जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं जा रही हूँ अम्बा जी को सब कुछ बताने का। प्लीज 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 उनसे कुछ मत कहना मोना, वापस आने दो मुझे पहले, कसम है तुम्हें। मेरा मैसेज है, मेरा एक मिनट। अरे किसका मैसेज है? किसी का भी नहीं। दिखा। किसी से कुछ मत कहना, ये तो अनुकल्प का मैसेज है। किसे कुछ मत कहना, क्या छिपा रही है? हाँ सेजल बता रही थी कि फूई और फुआ की मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा आप क्या गिफ्ट दे रही हो उन्हें? एक काम करते, उन्हें खाना बहुत पसंद है ना, तो एक एक शाम को एक छोटी सी टी पार्टी अरेंज करते हैं। हेतल को बोलती हूँ, उसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, कल को उसकी शादी हो जाएगी गुजराती परिवार में, और गुजराती परिवार में जानती हो ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि बहू को सारे पकवान बनाने आने चाहिए, उसको भी प्रैक्टिस चाहिए। शादी के लिए मेरी छोरी को तैयार करना है। बाय गॉड, चल मैं हेतल को बोलती हूँ। हाँ। ये सब रख के आ जा। हाँ जी। हाँ बच गई मोना, बाय गॉड।